विषय विज्ञान कक्षा सातवीं प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण किन किन तरीकों से होता है इस अध्याय में हम उनका वर्णन करेंगे। इस अध्याय में मुख्यतः मनुष्य के पोषण के विषय में, अमीबा के पोषण के विषय में दिया गया है। तो इस अध्याय में हम आज मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है, अर्थात पोषण होता क्या है, पोषक पदार्थों को, खाद्य पदार्थों को शरीर जो ग्रहण करता है तो उस विधि को हम पोषण विधि कहते हैं। पोषक पदार्थों को शरीर के द्वारा ग्रहण करना पोषण विधि कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। मनुष्य के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण या निष्कासन। अंतर्ग्रहण जब हम खाद्य पदार्थों को मुंह के अंदर लेके जाते हैं तो उस विधि को अंतर्ग्रहण विधि कहते हैं। खाद्य पदार्थ या पोषक पदार्थों को शरीर के अंदर लेके जाना, मुंह के अंदर लेके जाना अंतर्ग्रहण कहलाता है। जब भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ मुंह के अंदर हम लेके जाते हैं वो विधि अंतर्ग्रहण विधि कहलाती है। उसके बाद में मुंह के अंदर जाने के बाद में जो भोज्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है, वो पचना शुरू हो जाता है, अर्थात जटिल पदार्थों से सरल अवयवों में टूटना शुरू हो जाता है, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बंटना शुरू हो जाता है, उस विधि को पाचन विधि कहते हैं। और भोजन पचने के पश्चात छोटी आंत में वो भोजन, पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लिया जाता है, इस विधि को अवशोषण विधि कहते हैं। अवशोषण करने के पश्चात शुद्रांत्र उस अवशोषित भोज्य पदार्थ को खून में मिला देता है, खून उसे पूरे शरीर के अंदर भेज देता है, पूरे शरीर के अंदर कोशिकाओं में जाकर के कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट का पचा हुआ रूप है वो जाता है। वहां जाने के पश्चात माइटोकॉन्ड्रिया में उस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और परिणाम स्वरूप ऊर्जा एटीपी के रूप में हमें प्राप्त होती है। यह विधि स्वांगीकरण विधि कहलाती है। स्वांगीकरण विधि के पश्चात, स्वांगीकरण के पश्चात जो भोजन का अपशिष्ट पदार्थ होता है, बेकार पदार्थ होता है, खराब पदार्थ होता है, शरीर उसको किसी न किसी रूप में बाहर निकालता है, उस विधि को बहिक्षेपण या निष्कासन कहते हैं। तो प्रथम हम अंतर्ग्रहण पढ़ते हैं। जब हम भोजन से ग्रहण करते हैं तो मुंह के अंदर जब हम खाद्य पदार्थ को या पोषक पदार्थों को लेके जाते हैं, खाद्य पदार्थ को लेने के पश्चात हमारे दांत उस भोजन को चबाते हैं और चबाने के बाद वो जो जटिल भोजन है कुछ हद तक वो सरल भोजन में परिवर्तित हो जाता है। यहां भोजन में जब हम चबाते हैं तो लाला ग्रंथि एक एंजाइम सीक्रेट करके स्त्रावित करती है, लाला रस स्त्रावित करती है जिसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम एमिलेस है। एमिलेस उस कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को शर्करा में परिवर्तित करना शुरू कर देता है। मुंह के अंदर चार प्रकार के दांत होते हैं। आगे के जो दांत होते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं, आगे के दांत कृंतक कहलाते हैं जो काटने के काम आते हैं। साइड के दांत जो पहने दांत होते हैं उनको रदनक कहते हैं जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। और उसके पीछे के जो दांत है उनको अग्रसवर्णक कहते हैं जो पीसने के काम आते हैं। उससे पीछे सबसे लास्ट के अंदर जो दांत होते हैं उनको हम चवर्णक कहते हैं। अगर चवर्णक और चवर्णक भोज पदार्थ को पीसने का काम करते हैं। और ये जो भाग है मुंह का, ये भाग है ये मुख गुहिका कहलाता है। अब मुख गुहिका से भोजन ग्रैसिका के द्वारा आमाशय के अंदर आ जाता है। आमाशय यू आकार का हमारा आंतरिक अंग है जिसके अंदर ग्रैसिका से होता हुआ भोजन आमाशय के अंदर आ जाता है। और आमाशय के अंदर आने के बाद में भोजन यहां जटिल अवयवों से सरल अवयवों में परिवर्तित हो जाता है। जटिल भोजन से सरल भोजन के अंदर परिवर्तित, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में भोजन परिवर्तित हो जाता है।
आमाशय के अंदर, आमाशय की जो अंदर आंतरिक जो अस्त्र होता है, आंतरिक जो झिल्ली होती है, वो श्लेष्मक झिल्ली जठर रस उत्पन्न करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल उत्पन्न करती है, और इसके अलावा पेप्सिन एक एंजाइम होता है वो उत्पन्न करती है। ये जठर रस और पेप्सिन मिलकर के प्रोटीन युक्त आहार पर क्रिया करते हैं, और प्रोटीन युक्त जो आहार होता है उसको वो पेप्टाइड या एमिनो अम्ल में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो जटिल पदार्थों को सरल अवयवों में तोड़ने के काम, तोड़ने में उपयुक्त होता है, प्रयुक्त होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत के अंदर आ जाता है, और जैसे छोटी आंत के अंदर भोजन आता है जिसको हम शुद्रांत्र कहते हैं, शुद्रांत्र में भोजन पचे हुए भोजन के आने के पश्चात इस छोटी आंत में अग्नाशय जो हमारा जो अंग है जो इंसुलिन नामक हार्मोन का भी स्त्रावण करता है, इंसुलिन हार्मोन को भी छोड़ता है, इसके अलावा अग्नाशय और लीवर, ये जो दो हमारे अंदर ग्रंथियां हैं, लीवर्स के अंदर जिसको हम यकृत कहते हैं, पित्ताशय एक घड़ेनुमा आकार की एक अंग होता है जिसके अंदर जो यकृत पित्त नामक रस छोड़ता है वो इस पित्ताशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और पित्ताशय उसे अग्नाशय तथा पित्ताशय उसे उन एंजाइम्स को छोटी आंत के अंदर भेज देते हैं। ये यहां से पित्तरस छोटी आंत के अंदर जाता है, और अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमिलेस और लाइपेस एंजाइम छोटी आंत अर्थात शुद्रांत्र के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ शुद्रांत्र के अंदर जो वसीय पदार्थ हमने खा रखा है, जो वसीय पोषक तत्व तो हमने खाए हुए हैं, जो चिकने पदार्थ खाए हुए हैं, वहां पर ये ट्रिप्सिन, एमिलेस, लाइपेस ये एंजाइम वहां पे कार्य करते हैं, और वहां कार्य करने के बाद में वसा को, जो लाइपेस है वो वसा को, ये जो एंजाइम है वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। पित्तरस जो है वो वसा को वसीय अम्ल में परिवर्तित कर देता है, और लाइपेस अमीनो एसिड्स प्रोटीन, ट्रिप्सिन, एमिलेस और लाइपेस है वो जो प्रोटीन है उसको पेप्टाइड या अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। जो विटामिन और खनिज लवण हम लेते हैं उनका शरीर के किसी भी भाग में पाचन नहीं होता, उसको शरीर सीधा सरल अवयवों में, जटिल से सरल अवयवों में तोड़ करके उनको ग्रहण कर लेता, उन्हें ग्रहण कर लेती है। तो जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन खाया, कार्बोहाइड्रेट्स वो छोटी आंत में जाकर के ग्लूकोज के अंदर परिवर्तित हो जाता है, शर्करा के अंदर परिवर्तित हो जाता है। जो हमने वसा खाया वो वसीय अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जो हमने प्रोटीन युक्त आहार लिया वो एमिनो अम्ल या पेप्टाइड, एमिनो अम्ल या पेप्टाइड्स इसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार पचा हुआ भोजन छोटी आंत के अंदर पहुंच जाता है, छोटी आंत के अंदर उंगलियों जैसी प्रवर्ध संरचनाएं होती हैं जिनको दीर्घ रोम कहते हैं, और दीर्घ रोम्स शुद्रांत्र का जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ा देती हैं, क्योंकि दोनों तरफ दीर्घ रोम होती है, उंगलियों के समान प्रवर्ध होते हैं, जो इस पचे हुए भोजन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करती है, और अवशोषित भोजन को खून के अंदर मिला देती है, और खून उसे पूरे शरीर में भेज देता है। जहां पर ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां पर उस भोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, जहां पर कोशिका निर्माण की आवश्यकता होती है वहां पर वो भोज्य पदार्थ प्रोटीन के रूप में कोशिकाओं का निर्माण करता है। इस प्रकार से वो सारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है, और वो प्रत्येक कोशिका के अंदर जाकर के जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज का पचाव और जो पचने के पश्चात ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, वो उस उन कोशिकाओं में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया जो एक कोशिकांग है उसके अंदर जाकर के ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज मिलकर के ऑक्सीकरण होता है ग्लूकोज का, और उस अवस्था में एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ग्लूकोज के अणु से हमें 32 एटीपी के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्राप्त होते हैं, एक ग्लूकोज से हमें 32 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार से पचा हुआ भोजन हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। उसके बाद में जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भी उदाहरण के रूप में जब हम चूल्हे के ऊपर कोई भी कार्य करते हैं तो ईंधन का उपयोग करते हैं और ईंधन से ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ साथ धुआं और राख भी उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से हमारा भोजन जब हमारे शरीर के काम में हम उपयोग में ले आते हैं तो उस अवस्था में
कुछ अपशिष्ट पदार्थ, कुछ बेकार के पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, पसीने के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, मल के रूप में, मूत्र के रूप में आदि अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर बाहर निकालता है, लेकिन ये पचा हुआ भोजन यहाँ छोटी आंत में अवशोषित होने के पश्चात जो बेकार के खाद्य पदार्थ बच जाते हैं, जिनको हमारे शरीर की आवश्यकता नहीं होती या बेकार होते हैं, वो बड़ी आंत में पहुंच जाते हैं। और बड़ी आंत में पहुंचने के बाद उनमें जो पानी की मात्रा होती है, बड़ी आंत उस पानी की मात्रा को अवशोषित कर लेती है तथा ये जो गंदे पदार्थ हैं मलाशय के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं और इस प्रकार से शरीर मल के रूप में गुदा द्वारा इसे बाहर निकाल देता है। इसके अलावा जो पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मूत्र, मल, ये भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकलता रहता है, जिनको हम विक्षेपण या निष्कासन कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, जिसको नमक अम्ल भी कहते हैं, वो जटिल भोजन को सरल भोजन में तो परिवर्तित करता है, इसके साथ में यदि कोई अन्य रोग का रोगाणु या अन्य जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको भी किल कर देता है, उसको भी मार देता है यहाँ पे।